क्या वन पीस के अंदर लूफी सच में टाइम ट्रैवल करेगा? क्योंकि वन पीस के वर्ल्ड के अंदर हमने एक बार टाइम ट्रैवल तो देखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोकी टोकी नोमी डेविल फ्रूट के बारे में। इस डेविल फ्रूट का सबसे पहला यूजर हमने देखा था वानो कुनी में, जो कि मोमोनोस्के की मॉम है। मोमो की मॉम ने अकाजा और मोमोनोस्के को 20 साल फ्यूचर के अंदर भेज दिया था। इस डेविल फ्रूट का जो यूजर होता है वो अपने आप को और साथ साथ बाकी लोगों को भी फ्यूचर के अंदर भेज सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि यूजर बस 20 साल ही आगे फ्यूचर में जा सकता है। यहाँ पर इसे बताया जा रहा है कि यूजर के हिसाब से किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट पे वो डेविल फ्रूट यूजर किसी को भी किसी भी टाइम में भेज सकता है। लेकिन इस डेविल फ्रूट के अंदर एक कमी है कि जो यूजर रहता है वो पास्ट के अंदर नहीं जा सकता, वो बस फ्यूचर के अंदर ही जा सकता है। और आपने कभी न कभी ये वन पीस की फेमस थ्योरी तो सुनी होगी कि लूफी टाइम ट्रेवल करने वाला है, मतलब वो पास्ट के अंदर जाएगा। और जो हम बोलते हैं कि गोमो गोमो नोमी का पहला यूजर जॉय बॉय था, वो असलियत में लूफी हो सकता है। अगर वन पीस में फ्यूचर के अंदर जाने की पावर रखने वाला डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करता है, तो पास्ट के अंदर जाने वाला डेविल फ्रूट भी एग्जिस्ट करता ही होगा। अगर लूफी सच में किसी डेविल फ्रूट का यूज करके या किसी टाइम ट्रैवल वाली मशीन का यूज करके पास्ट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर वन पीस की स्टोरी काफी ज्यादा गुना इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन लूफी के पास में ऐसा कौन सा रीजन रहा होगा कि वो पास्ट के अंदर जाएगा? एक तो रीजन हो सकता है कि वो सीधा लाफ टेल के पास में पहुंच नहीं पाया, जो कि एंड आयरलैंड है, जहाँ पर बताया जाता है कि वन पीस रखा गया है। हो सकता है कि लूफी के सामने ऐसा कोई एनिमी आ गया जिसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, या हो सकता है कि लूफी और उसका क्रू वन पीस के पास में पहुंच गया और उसके पास में कोई भी चीज करने के लिए नहीं बची होगी, इसलिए वो टाइम ट्रैवल करके सीधा पास्ट के अंदर जाएगा और वहीं से ग्रेट पायरेट एरा शुरू करेगा। क्योंकि जब गोल्डी रॉजर ने वन पीस को ढूंढा था तो वहां पे जाके वो हंसने लग गया था। वहां पर वो बोला था कि इस वाले आइलैंड का नाम वो लाफ टेल लगने वाला है, क्योंकि वहां पर उसको ऐसी कोई चीज दिखी थी जिसकी वजह से वो हंसने लग गया था। और लूफी के टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी के अंदर बताया जाता है कि लूफी ने लाफ टेल के ऊपर एक नोट लिख के रखा है, जिसके अंदर लूफी ने लिखा है कि मैं मंकी डी लूफी, मैं अकेला ही पायरेट किंग हूँ। और ग्रेट पायरेट एरा शुरू करने के लिए लूफी ने अलग अलग पोनीक्लिप्स बनाए और उसको अलग अलग जगह पे रख दिया। और बात रही एंशिएंट किंगडम की, तो ऐसा बोला जाता है कि जो जॉय बॉय है वही एंशिएंट किंगडम का किंग हुआ करता था। और जो एंशिएंट किंगडम था वो उसके टाइम से कुछ ज्यादा डेवलप बताया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लूफी सच में टाइम ट्रैवल करे और वहां पर अपना एक खुद का किंगडम बनाए और उसको काफी ज्यादा गुना डेवलप कर ले। और जो एंशिएंट रोबोट हमने एगहेड के ऊपर देखा था वो भी फ्रैंकी ने ही बनाया हो, क्योंकि वो रोबोट जॉय बॉय के हार्ट बीट को सुन के एक्टिव हो रहा था। हमको बस उस वाले रोबोट के बारे में इतना ही पता है कि उसको किसी ने ऑर्डर दिया था कि वो सीधा जाके मर्जबा को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए वो एगहेड के ऊपर ही पड़ा है। शायद से फ्यूचर के अंदर वो लूफी के कुछ काम आएगा। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि इस वाले थ्योरी को थोड़ा सा सेंसिबल बनाते हैं कि एक्चुअली टाइम ट्रेवल हो भी सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस वाली थ्योरी को लेके, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।